नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टूरिस्ट वीजा के इस चैनल पे। सो अलग अलग वीडियो मेरी टूरिस्ट वीजा के रिगार्डिंग करंट अपडेट करंट सिनेरियो इस चैनल पे आते रहते हैं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन जैसे आती है आप तक टाइमली पहुंच सके। सो कैनेडा बायोमेट्रिक की अपडेट कोई नहीं आ रही, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है। जैसे पहले ये क्वेश्चन स्टूडेंट का होता था, अब ये विजिटर वीजा वालों का भी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आ रहा है कि बायोमेट्रिक हम दुबई में दे आए, हम क्या बायोमेट्रिक को नेपाल में जा सकते हैं, तो उसके बाद रिजल्ट कितने टाइम में आएगा। तो इन्हीं क्वेश्चन पे अगर आए तो यस, दुबई जाके आप बायोमेट्रिक दे सकते हैं। विजिटर वीजा के बायोमेट्रिक वहां होते हैं। आप दुबई के साथ साथ अबू धाबी, क्योंकि दुबई सेवन स्टेट का एक पार्ट है, यूएई हम इसको बोलते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो इसमें सेवन स्टेट्स है जिसमें अबू धाबी भी आता है, एक ही वीजा है। तो अबू धाबी के आप स्लॉट ले सकते हैं, एंट्री रिस्ट्रिक्शन आपको देखनी पड़ेगी, लेकिन मेनली जो फेमस है कि हम दुबई जाते हैं तो दुबई के सेंटर में भी आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। लेकिन एक चीज का आप ध्यान रख सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट चेक करते हैं तो कई बार क्या होता है आपको स्लॉट जो है वन मंथ बाद का, डेढ़ मंथ बाद का मिलता है, लेकिन वहां पे ऐसी प्रोविजन वीआईपी आप वॉक इन भी कर सकते हैं। वहां जाके आपको 3 से 4 हजार एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है वीएफएस ग्लोबल को, उसके बाद आप ऑन स्पॉट भी बायोमेट्रिक दे सकते हैं। ऐसा कुछ एप्लीकेंट ने किया भी है। साथ में अगर नियर बाय जाना चाहते हैं तो यस, नेपाल, जहां का हमें वीजा नहीं लेना पड़ता क्योंकि दुबई जाते हैं आप बायोमेट्रिक के लिए, तो आपकी कॉस्ट आएगी, एयर टिकट की कॉस्ट आएगी अप्रोक्सीमेटली 35,000 का मिनिमम आपका एक्सपेंस है अगर आप दुबई बायोमेट्रिक देने की सोचते हैं। नेपाल में कम आ जाता है, लेकिन फिर भी रफली अगर काउंट करें तो 20,000 के आसपास लग जाते हैं, क्योंकि नेपाल आप बाय फ्लाइट ही जाओगे, दिल्ली से जाओगे, वहां स्टे भी करना पड़ेगा, कोविड को लेकर रिस्ट्रिक्शंस भी है, तो बायोमेट्रिक तो आप नेपाल में भी दे सकते हैं, लेकिन आप दुबई को भी प्रेफर कर सकते हैं, कोई कॉस्ट में कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। सो अगर फैमिली विजिट का प्लान बना रहे हैं साथ में आप घूमने भी जा सकते हैं। अब दूसरा मेजर क्वेश्चन आता है कि क्या बायोमेट्रिक देने के बाद रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। तो देखिए, रिजल्ट के लिए हमें पता है बायोमेट्रिक मैंडेटरी है, तो ये आपने एक रिक्वायरमेंट पूरी की है, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका रिजल्ट जल्दी आएगा। यस, अब आप होप कर सकते हैं, पहले आपको पता था कि रिजल्ट नहीं आना क्योंकि बायोमेट्रिक नहीं हुए, अब आपके पास होप है कि हो सकता है आपका अगले महीने में रिजल्ट आ जाए, हो सकता है कुछ वीक में रिजल्ट आए, डिपेंड करेगा आपके पर्पज ऑफ विजिट। अगर आप विजिटर कैटेगरी में टूरिज्म की तरह प्लान बना के बैठे हो तो हो सकता है आपका रिजल्ट थोड़ा डिले हो सकता है। अगर आपका कोई रिलेटिव वहां पे है, आपके ब्रदर सिस्टर ब्लड रिलेशन में कोई है, आपकी फैमिली विजिट है, तो वहां पे चांसेस है कि आपको रिजल्ट जल्दी मिल सकता है। और जो फैमिली विजिट वाले हैं, क्योंकि करंट ट्रैवल एग्जेम्पशन में अगर देखें तो आप विजिट कर सकते हैं वीजा के बाद, जिनका कोई ब्रदर सिस्टर वहां पे पीआर है, या आपके मदर फादर जाना चाहते हैं, अगर आप कनाडा में हो तो आपके मदर फादर को बुलाना है, तो ऐसे कैटेगरी वाले ट्रैवल कर सकते हैं। तो आप ट्रैवल एग्जेम्पशन अप्लाई करके उसको अपलोड कर सकते हैं वेब फॉर्म के जरिए, ताकि हाई कमीशन को पता हो कि यस आप ट्रैवल कर सकते हैं, तो आपका रिजल्ट और जल्दी आने के चांसेस होते हैं। तो यस, जो मेन टॉपिक था कि बायोमेट्रिक, क्योंकि इंडिया में भी टाइम लगेगा, सो मे बी मिनिमम वन मंथ लग सकता है, तो जिसको इमरजेंसी रीजन है या पहले ट्रैवल करने का सोच रहे हैं और होप रख रहे हैं कि वीजा पहले आ जाए, तो उसके लिए बायोमेट्रिक जरूरी है। सो उसके लिए आप वीएफएस ग्लोबल की दुबई वाली वेबसाइट, यूएई की जो वेबसाइट है, उस पर आप जा सकते हैं। वहां पे आपको ऑनलाइन बायोमेट्रिक ऑप्शन आ जाएगा बुक करने का, अदरवाइज वॉक इन का ऑप्शन भी वहां पे अवेलेबल है। साथ में नेपाल का भी आपको प्री अपॉइंटमेंट जरूर लेके जाए अगर आप जाना चाहते हैं, अदरवाइज एक मंथ वेट कर ले। उम्मीद है कि अप्रैल मिड के आसपास अनाउंसमेंट आ सकती है इंडिया में भी विजिटर कैटेगरी के बायोमेट्रिक को लेकर। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नई अपडेट के साथ, नई डेवलपमेंट के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, और किसी भी तरह की क्वेरी के लिए नंबर है 9041090410, वीजा ऑफिस को आप कॉल भी कर सकते हैं, चाहे टूरिज्म सेक्टर की कोई भी आपकी क्वेरी है। सो आज के लिए ज्यादा चाहेंगे, नमस्कार।